केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भाजपा हैदराबाद में AIMIIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को हराकर इतिहास रचेगी। भाजपा ने 4 बार के सांसद ओवैसी के विरुद्ध हैदराबाद सीट से माधवी लता को उम्मीदवार बनाया है। गोयल ने कहा कि तेलंगाना की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए एक मजबूत, निर्णायक और ईमानदार सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम तेलंगाना के लोगों को भरोसा देना चाहते हैं कि अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो राज्य और देश का एक साथ विकास होगा। हम ओवैसी को हराकर हैदराबाद की सीट जीतेंगे और इतिहास रचेंगे। हैदराबाद लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। वहीं हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता के विरुद्ध धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने एक बार शिकायत के आधार पर ये प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें उन पर मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएँ आहत करने का आरोप लगाया गया है। माधवी लता का पिछले सप्ताह एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें वो एक जुलूस के दौरान कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा करती नजर आईं।